हमारी सिटी पे अटैक कर दिया था जॉइंट वॉइस ऑफ जोकर ने, तो हमारी सिटी की सारी बिल्डिंग्स भाई साहब इसने गिरा दी थी एकदम से, तो काफी हमारी सिटी को इसने नुकसान पहुंचाया था। इसको खत्म करने के लिए हमको ये वाला पॉइजन चाहिए, तो गाइस जल्दी से पॉइजन को बनाते और खत्म करते हैं जोकर को। ओ नो, मैं गया हुआ था सिटी से दूर अपने दोस्त को एक घर लेके देने के लिए। तो जब मैं घर पे वापिस आया तो पैसा बहुत ही थका हुआ था, बहुत ही पैसा मेरे को नींद आती, जिसकी वजह से मैंने घर में इंटर होते पैसा एक लड़की को ठोक दिया, जिसकी चीखे पैसा आज तक मेरे कान में गूंज रही है। ठीक है, तो मैं पैसा जल्दी से घर पे गया। ठीक है, मैं बहुत ही थक चुका था, इतना थक चुका था क्या बताऊं पैसा। मैंने जल्दी से गाड़ी को पार्क किया और भागा सोने के लिए। रात होने वाली थी तो बहुत ही गाइस मेरे को इतनी थकान हो चुकी थी क्या बताऊं, मैं थक के मेरा पैसा सर इतना दर्द कर रहा था। मैंने जल्दी से पैसा बेड पे लेटने की कोशिश की, जैसे ही लेटा पैसा रात हो गई। रात को जब भाई साहब मैं उठा तो भाई साहब एकदम से मैं नीचे गिरा हुआ था। इतना भाई साहब क्या हो रहा था मेरे को समझ नहीं आ रहा था भाई साहब हो क्या रहा है। बट मैंने भाई साहब बाहर जाके देखा, इतनी आवाज़ें आ रही थी, पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई बुग स्टेप और बुग बिग फुट के साथ भाई साहब हमारी सिटी पे चढ़ रहा हो। पर मैंने भाई साहब बाहर निकल के देखा, मेरे को तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बट भाई साहब देखो, मेरे को भाई साहब कुछ नज़र नहीं आना, मैंने को इतनी नींद आ रही थी, इतना थका हुआ था काम से। तो भाई साहब जैसे फिर मैं सोया, फिर उठा तो भाई साहब मैं बैठ के नीचे फिर पड़ा हुआ था। तो गाइस जल्दी से मैंने उठा, सुबह हो गई। सुबह होने के बाद मैंने कहा यार थोड़ी सी डिटेल लेके देखते हैं कि वजह क्या हुई थी, कि मैं किस लिए नीचे बार बार गिर रहा था। अरे भाई साहब इतना भूकंप टाइप आ रहा था हमारी सिटी में कि क्या बताऊं भाई साहब। तो मैंने जल्दी से भाई साहब वहां से निकला, और निकलने के बाद मैंने कहा थोड़ा सा शहर का भाई साहब चक्कर वक्कर लगाते हैं कि हमारी सिटी में हो क्या रहा है। मैं रात को बेड पे सोता था और इसीलिए मैंने जल्दी से गाइस अपना जेट पैक को भाई साहब देखा। मैंने देखा भाई साहब शहर की तरफ देखा, तो भाई साहब एक बिल्डिंग मेरे को टेढ़ी लग रही थी। मेरे को लगता है मेरे को शायद नींद या चक्कर वक्कर आ ले, इसीलिए मेरे को ऐसा लग रहा है। बट मैं जब भाई साहब जेट पैक पे देखा, मैंने गाइस मेरे को इतना यकीन ही नहीं, हमारी बिल्डिंग भाई साहब एकदम से टेढ़ी हुई पड़ी थी। एक नहीं गाइस, दो नहीं, इतनी सारी बिल्डिंग्स गाइस हमारी एक से दूसरी भाई साहब किसी ने इतनी गिरा दी थी, हमको समझ नहीं आ रहा था। देखो गाइस इतनी सारी हमारी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया था किसी ने, भाई साहब एकदम से गिरा डाली। जब मैंने देखा भाई साहब तो मेरे पीछे एक जॉइंट और इतना बिगेस्ट और लार्जेस्ट जोकर भाई साहब आदिवासी जोकर था। ये कहाँ से आया था ये मेरे को नहीं पता था। भाई साहब जल्दी से मैंने वहाँ से कल्टी ली, ठीक है, मेरे को देखा नहीं उसने, मैं बिल्डिंग की साइड पे छुप गया था, जिसकी वजह से गाइज वो चुपके से निकल गया, उसको मेरी बदबू आ गई थी। बट वो मेरी को सूंघते सूंघते गाइज मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैंने देखा शहर में गाइज इतनी सारी बिल्डिंग्स को भाई साहब इसने कैसे गिरा दिया, इतना जॉइंट और बिगेस्ट जोकर मैंने आज तक गाइज नहीं देखा। अगर आपने देखा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो गाइज जैसे मैंने भाई साहब राइट टर्न किया, तो भाई साहब देखता हूँ कि भाई साहब मैंने भाई जल्दी से फोन किया अपने दोस्त चंटू को। मैंने कहा चंटू गाइस उस फॉर्मूले का बता जो पॉइजन गाइस उस दिन हमने बनाया था और अपने भाई साहब वेनम को खत्म किया था। तो गाइस जल्दी से उसने मेरे को बताया और मैंने भाई साहब तैयारी शुरू कर दी वेनम को, जिस पॉइजन से हमने मारा था वही सब इसी जोकर को उससे भी हम मारेंगे। तो जल्दी से गाइस मैं जहां जाता हूं गाइस इतना बड़ा मेरी बिल्डिंग्स को शहर को इतना इसने नुकसान कर दिया था गाइस, तो इसके सही करने के रिपेयर करने के हमको कितना अरसा लग जाता गाइस। मैं यहां पर जैसे रुको तो भाई साहब यार देखा मेरे पीछे भाई साहब वो मेरी सूंघते सूंघते गाइस वो मेरे पीछे आ गया, तो कहने लगा मेरे को यहाँ पे रहना, मैं तेरा सारा शहर तबाह कर डालूंगा। गाइस मैं वहां से जल्दी से कल्टी लिया, कल्टी लेने के बाद देखो गाइस इतनी सारी बिल्डिंग्स उसने ऐसे पटका पटका के फेंका कि गाइस मेरे को तो एकदम से समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तो मैंने गाइस जल्दी से कहा अपने दोस्त को भाई साहब वो सारा मटेरियल लेके आ जिससे हम वो पॉइजन बना सके, हमारी बिल्डिंग और शहर का इतना इसे नुकसान कर डाला था। ये देखो गाइस मैं जिधर ही जाता भाई साहब इतने सारे हमारी बिल्डिंग्स को गिरा दिया। बट मैं भाई गाइस जैसे जहां पे जाता तो मेरे पीछे पीछे भाई साहब बिगेस्ट और लार्जेस्ट जो हमारा जोकर आता का सेटिंग वो मेरे अटैक कर रहा था बार बार। तो गाइस उसने मेरी एकदम से टांग खींची, मैं जेट पैक से नीचे गिर गया। तो मैंने देखा भाई साहब ऊपर से व्यू गिरते हो इतनी सारी बिल्डिंग्स का नुकसान, यार ये कैसे कर सकता है, हमको जल्दी से जल्दी वो भाई साहब पॉइजन बनाना होगा। भाई साहब जैसे मैं नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद भाई साहब मेरे को एकदम से भाई साहब गुस्सा इतना है कि मेरी भाई साहब एक टांग टूट चुकी थी, जिसकी वजह से मैंने टांग टूटे बगैर ही गाइस फैसला किया कि इसको भाई साहब यहाँ से कल्टी करना होगा। मैं एक बिल्डिंग पर चढ़ा जिसकी वजह से भाई साहब मैंने सोचा कि इस पे यहाँ से पॉइजन फेंकेंगे। गाइस मैंने देखा इतने सारा पैसा हमारी सिटी को
रिपेयर करने में काफ़ी अरसा लग जाएगा भाई। हमारे साजटी के साथ जो छोटा सा गांव था उसको भी काफ़ी इसने डैमेज पहुंचा दिया था। जल्दी से मैं स्नेक मॉन्स्टर के पार और ईगल मॉन्स्टर के पार उनसे थोड़ा सा उनका विष जहर लिया, पॉइजन लिया उनका थोड़ा सा। तो गाइस इन्होंने भी कहा जल्दी इसको यहाँ से निकालो, बिगेस्ट और लार्जेस्ट जोकर को। तो भाई इनसे मैंने थोड़ा थोड़ा जहर और विष लिया, ठीक है, जिसकी वजह से हमें वो पॉइजन बनाना था। इतना भाई साहब डेंजर किस्म का सीन होने वाला था कि क्या बताऊँ आपको। गाइस मैं जल्दी से इनके पास जहर लिया थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जहर लेने के बाद मैंने जल्दी से गया अपने बिगेस्ट और लार्जेस्ट भाई साहब जो जगह थी वहाँ पे जा पॉइजन को बनाना शुरू कर दिया। पॉइजन को बनाते बनाते भाई मेरे को 3 दिन लग चुके थे। 3 दिन के अंदर भाई साहब इतना हैवी किस्म का पॉइजन मैंने बना लिया था कि उसकी भाई साहब आज खैर नहीं थी। तो जल्दी से उस पॉइजन को लेके जाके मेरे को अभी उसके ऊपर छिड़कना था बिगेस्ट और लार्जेस्ट। मैं इसीलिए बिल्कुल टॉप की बिल्डिंग पे जा रहा था। टॉप की बिल्डिंग पे जाते जाते गाइज मैंने क्या देखा, इतने सारे स्नेक भी आ चुके थे मेरी मदद करने के लिए। तो गाइज जैसे वो भी टॉप की बिल्डिंग पे आया तो मैंने गाइज इतनी बड़ी शीशी निकाली और शीशी निकालने के बाद उसके ऊपर भाई गाइज फेंक दी। जैसे फेंकी तो गाइज उसने भाई साहब आहिस्ता आहिस्ता वो मरना शुरू की लोना शुरू हो गया। तो वीडियो बता दे तो लाइक जरूर कर दो यार।